नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चैम्बासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने पश्चिमी सिंहभूम के कुमारडुंगी में लाभार्थी सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने मोदी सरकार के 9 साल की उपलब्धियों को गिनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार के 9 साल पूरे होने पर भाजपा के महाजनसंपर्क अभियान के तहत पश्चिमी सिंहभूम जिला के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने आज मझगांव विधानसभा क्षेत्र के कुमारडुंगी में लाभार्थी सम्मेलन को संबोधित किया। मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं और केंद्र सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र सरकार के उपलब्धियों को गिनाया। साथ ही ऐसी जन कल्याणकारी योजनाओं का आगे भी लाभ पाने के लिए हमेशा मोदी का साथ देने का आह्वान किया। पहला पार्टी अपने नन्हे मुन्ने बच्चों से अपना पेट काट के अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को पढ़ाऊंगा। अब होली मन का हम लोगों को अब वो बंके के को पढ़ाओ चीजों को बोल दूँगा। ये तो पढ़ाओगे पढ़ाओ चीज अब। नंबर दो, शाम को जब घर पहुंचूंगा अपने माता पिता का 5 मिनट सेवा करूंगा। जब वहां मजदूर हुए तो आपको एक आपको बहुत तो सेवा है सेवा करो बताओ। रात में दूध पी लूंगा, बाकी कुछ नहीं पीऊंगा। नीचे दूध बोलूंगा तो जहां बाकी जाना का बोलूंगा नीचे बाकी तो दिए को काबू है। किसी दिन अपने घर के बाहर गाय के गोबर से पोताई करके रंगोली बनाकर शाम को एक दीपक जला दूंगा कि मेरे भगवान पधार रहे हैं। मुझे अबो भूरी तो भूरी के बाद जब दिया को जलाया तो रंगोली को भाई है तो दिया को जलाया भाई है अबो भाई है अबो। जीवन में मैं मोदी को नहीं छोड़ूंगा। वो पूरा जीवन वाला अबो पूरा जन्म जन्म तक मोदी का वो भागी है। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं का दौरा पश्चिमी सिंहभूम में जारी है। सिंहभूम लोकसभा सीट पर जीत सुनिश्चित करने के लिए महाजनसंपर्क अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह चैबासा पहुंचे। चाईबासा परिसदन में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने पूर्व विधायकों और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ सिंहभूम लोकसभा जीत सुनिश्चित करने के लिए विचार विमर्श के बाद प्रेस वार्ता की। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कांग्रेस के शासनकाल पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भटकाव, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और आतंकवाद को बढ़ावा दिया। इसके लिए उन्होंने नेहरू और इंदिरा गांधी को जिम्मेवार ठहराया। उन्होंने कहा कि देश में भाजपा सरकार आने के बाद विकास क्या होता है इसे लोगों ने जाना। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी और मोदी सरकार के 9 वर्षों की उपलब्धियों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश का सम्मान बढ़ाया, आज देश आत्मनिर्भर बन रहा है। यह सरकार आदिवासी, दलित, शोषित और वंचित लोगों की है। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष सतीश पुरी, जिला महामंत्री प्रताप कटियार, पूर्व विधायक बलकुवर गागराई, सरायकेला खरसवां के जिला प्रभारी जेबी तुबित मौजूद थे। एक नन्हा मुन्ना बालक भी, बच्चा भी अपने पिता से बोलता है कि पापा एक गुटखा की थैली आप मत फेंक। देश के अंदर आमूलचूल परिवर्तन। उसके बाद आदरणीय मोदी जी ने सोचा कि बताओ इस देश के अंदर है गरीब रहता है, शोषित रहता है, वंचित रहता है, दलित रहता है, इसका पुरुषार्थ कोई नहीं है। जितने नेता हुए केवल अपना परिवार देखा, वंश देखा, जाति देखा। वंश और परिवार जाति को देखकर ठीक ढंग से लूटा और अपने परिवार को शक्तिशाली बनाया, संपन्न बनाया। यहां तक कि भतीजे को भी मौका नहीं दिया, भाभी को भी मौका नहीं दिया, केवल खानदान को देखा। खानदान के अलावा इधर उधर भटका नहीं। ऐसी पॉलिटिकल पार्टियों का जन्म हिंदुस्तान के अंदर हुआ जिसके कारण
गरीब गरीब होता चला गया, मरता गया और भूख से भूखमरी से आत्महत्या करता था, किसान आत्महत्या करता था सूखा में बाढ़ में, कोई उसका पुरसा हाल नहीं। आदरणीय मोदी जी ने व्रत लिया और संकल्प लिया और तपस्या किया, इस संकल्प को पूर्ण करने के लिए तपस्या किया और तप किया। आज करोड़ों लोगों के पास, जिसके पास अपना बैंक का अकाउंट नहीं था, उन करोड़ों लोगों गरीबों का बैंक का अकाउंट खुला। करोड़ों लोगों का अपना पक्का मकान नहीं था, उन 9 सालों में उन करोड़ों लोगों को यानी 3.5 करोड़ के ऊपर पक्का मकान देने का काम किया। जो किसान सम्मान से जी नहीं सकते आर्थिक स्थिति के कारण कर्ज लेते थे, वो 11 करोड़ किसानों के खाते में 1 रुपये भेजता है तो 15 पैसा नहीं, 11 करोड़ किसानों के खाते में 6,000 रुपये भेजता हूं प्रति किसान, तो 6,000 रुपये सीधे उसके बैंक अकाउंट में पहुंचते हैं। गैस का कनेक्शन नहीं था, बिजली का कनेक्शन नहीं था करोड़ों लोगों के लिए, उनको दिया। एक माँ अंधेरे की इंतजार करती थी शौचालय के लिए, उसको शौचालय देने का, करोड़ों शौचालय देने का, यानी सब घरों में शौचालय देने का काम किया कि वह शर्म महसूस न करे और बीमार न। 26 जून को नौमुंडी में निर्धारित झामुमो के जगन्नाथपुर विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन सदस्यता शिविर के आयोजन को लेकर पार्टी ने जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। जिला समिति के पदाधिकारी एवं केंद्रीय सदस्य अलग अलग टीम बनाकर लगातार जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न पंचायतों में प्रवास कर ग्राम स्तर पर जनसंपर्क अभियान चलाते हुए अधिक से अधिक युवा एवं महिलाओं को झामुमो से जोड़ने और विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन सदस्यता शिविर में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं। जिला सचिव सोनाराम देवगम, झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग के सदस्य भुवनेश्वर महतो, जिला परिषद अध्यक्ष लक्ष्मी सुरेन, केंद्रीय सदस्य जिला उपाध्यक्ष इकबाल अहमद, केंद्रीय सदस्य अभिषेक सिंह ने संयुक्त रूप से किरीबुरु पूर्वी, किरीबुरु पश्चिमी, मेघाहतुबुरु उत्तरी, मेघाहतुबुरु दक्षिणी, गुवा पूर्वी और गुवा पश्चिमी पंचायत में प्रवास कर जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर ग्रामीण बैठकों का आयोजन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए जिला सचिव सोनाराम देवगम ने कहा कि क्षेत्र में झामुमो का सबसे मजबूत और प्रभावी संगठन होने के बावजूद सिंहभूम लोकसभा सीट एवं जगन्नाथपुर विधानसभा सीट पर झामुमो का अपना सांसद एवं विधायक नहीं होने के कारण क्षेत्र में पार्टी संगठन पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। महागठबंधन धर्म का पालन करते हुए झामुमो कार्यकर्ताओं ने सहयोगी दल कांग्रेस के प्रत्याशियों को लोकसभा एवं विधानसभा में जिताने का काम किया, लेकिन महागठबंधन के सहयोगी दल की ओर से झामुमो कार्यकर्ताओं को उचित सम्मान नहीं मिला, जिससे झामुमो कार्यकर्ता अपने आप को उपेक्षित और अपमानित महसूस करते हैं। इससे पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर रहा है और क्षेत्र में जनसेवा और विकास के कार्यों में भी इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है, इसे ठीक किया जाना जरूरी है। जनसंपर्क अभियान के दौरान बैठकों में लोगों को हेमंत सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं और राज्य सरकार के उपलब्धियों की विस्तृत जानकारी देते हुए सभी जरूरतमंद लोगों को राज्य सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए प्रेरित किया गया। गुवासाई के मुंडा मंगल सिंह पूर्ति एवं गुवा शक्तिनगर के हेमराज सोनार, किरीबुरु पश्चिमी की मुखिया पार्वती कीड़ो, उप मुखिया सुमन मुंडू समेत क्षेत्र के कई प्रभावशाली लोगों ने झामुमो की सदस्यता ग्रहण किया। भूमि संरक्षण विभाग के स्वीकृति के प्रत्याशा में हाटघमरिया प्रखंड के बलंडिया गांव में सार्वजनिक तालाब का भूमि पूजन आज चाईबासा विधायक दीपक बिरवा द्वारा किया गया। विधायक द्वारा खुदाई कर तालाब खुदाई कार्य शुरू किया गया। पूरे बलंडिया गांव में एक भी तालाब में पानी नहीं रहने से आमजन के साथ जानवरों को भी काफ़ी दिक्कतें हो रही है। इस बाबत ग्रामीणों के विशेष आग्रह पर विधायक दीपक बिरवा द्वारा जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी से बात कर विशेष परिस्थिति में सार्वजनिक तालाब का जीर्णोद्धार काम शुरू किया गया। आया आया नीलम शून्य स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम नीलम शू।
जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू राजाबाड़ी गली सदर बाजार चायवासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रूंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि की स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू राजाबाड़ी गली सदर बाजार चायवासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। सिंहभूम के सांसद गीता कोड़ायन विधायक सोनाराम सिंह के द्वारा जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र में आज कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। जगन्नाथपुर प्रखंड के जिंतू गाड़ा के टोला हटिया साई में डीप बोरिंग योजना का उद्घाटन, बंदा साई से जामना डी तक पीसीसी रोड का शिलान्यास, बुकासाई में डीप बोरिंग का उद्घाटन, सान नंदा में नाली निर्माण का शिलान्यास किया गया। नौमुंडी प्रखंड के कोटगढ़ दानाउली में स्कूल टोला से आदिवासी टोला तक पीसीसी रोड का शिलान्यास, कोटगढ़ में टोंटो पोसी आदिवासी टोला में पीसीसी रोड निर्माण कार्य का शिलान्यास और जगन्नाथपुर प्रखंड जीतूगढ़ा गांव के टोला बांदासाई में डीएमएफटी फंड से जामना डी से दिगुन साई तक 1.3 किलोमीटर पीसीसी रोड का शिलान्यास किया गया। ग्रामीणों के चिर परिचित मांगे पूरी नहीं होने पर सांसद एवं विधायक का स्वागत परंपरागत रीति रिवाज ढोल बाजे के साथ किया गया। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए सांसद गीता कुड़ा ने कहा कि सभी कार्य गुणवत्ता पूर्वक किया जाए और सारी योजनाएं समय पर पूरी हो, इसके लिए पदाधिकारी को दिशा निर्देश दिया गया है। सांसद ने कहा कि जहां कहीं भी सड़क नाली पेयजल व्यवस्था जैसी मूलभूत समस्याएं होगी उसे क्रमवार पूरा किया जाएगा। इस अवसर पर विधायक सोनाराम सिंकू ने भी लोगों को संबोधित किया। मतदाता विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण को लेकर उपायुक्त अनन्य मित्तल ने पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उपायुक्त ने निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी को पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान सभी बीएलओ बीएलओ सुपरवाइजर के साथ बैठक आयोजित कर अर्हता तिथि 1 जनवरी 2024 के तहत अधिक से अधिक मतदाताओं का घर घर जाकर उनका नाम मतदाता सूची में जुड़वाने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को अपने अपने क्षेत्र में ब्लॉक लेवल एजेंट प्रतिनियुक्त करते हुए उसकी सूची जिला में उपलब्ध करवाने के लिए बीएलए और बीएलओ के साथ सहयोग करने की अपील की। बैठक में अपर उपायुक्त संतोष कुमार सिन्हा, सहायक समाहर्ता ओम प्रकाश गुप्ता, जिला भू अर्जन पदाधिकारी एजाज अनवर, उप निर्वाचन पदाधिकारी रविंद्र पांडे उपस्थित थे। जिला पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने भाकपा माओवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे सर्च अभियान के तहत आज टोंटो थाना क्षेत्र के तुम्बाहाका गांव के पास जंगल से 5 IED विस्फोटक और 4 स्पाइकल होल बरामद किया। सुरक्षा के मद्देनजर सभी विस्फोटक को बम निरोधक दस्ता के सहायता से मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। झारखंड पुलिस, झारखंड जगुआर, कोबरा बटालियन और सीआरपीएफ द्वारा बीते जनवरी महीने से ही भाकपा माओवादियों के खिलाफ संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है। माओवादियों ने जंगल क्षेत्र में आईईडी विस्फोटक लगा रखा है, जिसका शिकार सुरक्षा बलों के साथ साथ आम जनता भी हो रही है। पिछले कई महीनों से सुरक्षा बल माओवादियों द्वारा लगाए गए विस्फोटकों की खोज करके नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आम जनता को कोई क्षति ना हो। 20वीं झारखंड राज्य जूनियर बास्केटबॉल प्रतियोगिता के बालक वर्ग का फाइनल मैच जैप 1 रांची और जमशेदपुर के बीच खेला गया। संत जेवियर बालक विद्यालय परिसर में आयोजित 3 दिवसीय प्रतियोगिता के फाइनल में जमशेदपुर की टीम ने जैप 1 रांची को 40 के मुकाबले 39 अंक से पराजित कर दिया। तीसरे नंबर पर पश्चिमी सिंहभूम की टीम रही।
वहीं बालिका वर्ग में जैप वन की टीम ने जमशेदपुर को हराकर खिताब पर कब्जा जमा लिया। बालिका वर्ग में पूर्वी सिंहभूम की टीम तीसरे स्थान पर रही। सीआरपीएफ 197 बटालियन के डिप्टी कमांडेंट एके ठाकुर, फादर यूजिन एक्का और विकास दुदराजका द्वारा खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किया गया। इस मौके पर पश्चिमी सिंहभूम ट्राइबल स्पोर्ट्स बास्केटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष ज्ञान सिंह दुराईबुरु और वरिष्ठ उपाध्यक्ष यदुनाथ तियू सहित अन्य लोग मौजूद रहे। राहुल गांधी के जन्मदिन को काठभारी के ग्रामीणों ने स्वच्छ पर्यावरण के संकल्प के तौर पर मनाया। युवा कांग्रेस के प्रदेश महासचिव दिनबंधु बोयपाई ने कहा कि राहुल गांधी के जन्मदिन को विशेष बनाने हेतु प्लास्टिक मुक्त गांव बनाने के लिए स्वच्छ पर्यावरण का संकल्प लिया गया। प्लास्टिक का उपयोग मानव जीवन के लिए अहम हो चुका है और उतना ही नुकसान हमारे पर्यावरण को हो रहा है। प्लास्टिक मिट्टी में दबने के बाद भी नहीं गलती है, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम हो जाती है। आए दिन हम प्लास्टिक से पर्यावरण को हो रहे नुकसान को अखबारों और दैनिक पत्रिकाओं के माध्यम से पढ़ और सुन रहे हैं। ऐसे में हम सभी लोगों का दायित्व होता है कि गांव घरों को प्लास्टिक से होने वाले नुकसान से बचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रामीणों को जागरूक करें और पर्यावरण बचाएं। महाजनसंपर्क अभियान के तहत केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सह पूर्व विधायक कुणाल सारंगी ने कराईकेला में लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। सीधा संवाद में महिलाओं ने बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं में उज्ज्वला योजना का लाभ लगभग सभी को मिला है। किसानों को प्रधानमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत किस्त समय पर मिल रहा है। लोगों से वार्ता के बाद सभी लोगों से टोल फ्री नंबर पर कॉल करवाकर केंद्र सरकार के लिए समर्थन प्राप्त किया गया। इस मौके पर भाजपा जिला महामंत्री प्रताप कटियार, भाजपा एसटी मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष विजय मेलगांडी, भाजपा मंडल अध्यक्ष खुशपूर्ति, तीरथ जामुदा, बीजू प्रमाणिक सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ, तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।